हेलो गाइस, बोर्ड अभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी बच्चे हैं ये वीडियो ध्यान से देख लेना। ये वीडियो ध्यान से देखने से क्या होगा कि जो भी एग्ज़ाम आपका 15 या 16 मार्च को है वो आपको बहुत ही यहाँ पे हेल्प होगा। ये वाला जो मॉडल पेपर मैं कराने जा रहा हूँ इसमें आपका प्रैक्टिस भी होगा और कैसे टैकल करना है एग्ज़ाम में, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए है, तो ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और कैसे आपको एग्ज़ाम में कैसे एग्ज़ाम देना है वो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी देखिए पहला आपको क्या आएगा, पैसेज आएगा, ध्यान से सुनते चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले पैसेज देगा और उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस रहेंगे। आपको क्या करना है एग्जाम में, ध्यान से सुनते चलिए और देख के जाइए वीडियो। आप लोग को क्या करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा कि लैंग्वेज इज़ ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू, बोल रहा है कि लैंग्वेज के बारे में बोल रहा है कि इसको वंडरफुल गिफ्ट मिला है। आप लोग ध्यान से समझ चलिएगा। व्हेन रैबिट सी ऑन इनेमी इट, बोलता है कि जब रैबिट अपने दुश्मन को देखता है तो क्या करता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप हिंट कर पा रहे हो कि किसके बारे में पूछ रहा है। उसी प्रकार बाकी क्वेश्चन पूछ पढ़ लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वंडरफुल गिफ्ट किसको मिला है। इनेमी को देखता है तो रैबिट क्या करता है। और थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, उस तरह से आप लोग को वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा खोजने में। यहाँ पर डॉग के बारे में पूछ रहा है, ए बार्क्स व्हेन स्ट्रेंजर्स कम नियर, है ना, कम नियर जब सामने आता तो मतलब भौंकने लगता है। नो एनिमल पोजेस द गिफ्ट ऑफ, कोई भी जानवर किसका गिफ्ट पोजेस नहीं करता है, मतलब रखता है, कोई कौन सा मतलब गिफ्ट किसके पास नहीं है, मतलब कि जानवरों के पास नहीं है। आगे देखिए ये बोल रहा है कि जब मधुमक्खी खाने को देखता है तो कैसे किसी दूसरे को बताता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग चलिए देख लेते हैं कैसे करवाना है आपको। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे पैसे। तो देखिए पूछ रहा है, दिया हुआ है लैंग्वेज इज़ ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन। अभी आपको मैंने बताया था कि ये वाला आप क्वेश्चन मिलेगा। अभी आपको क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है ना गिवन टू, तो यहीं से आप लोगों को समझ में आ गया मैन, तो आप लोगों का फर्स्ट आंसर ए हो गया। तो आप लोग को इस तरह से खोजने में आसानी होगा, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा था कि कैसे करना है, देखते चलिए मेरे साथ साथ। फिर देखिए नो एनिमल पोजेस दिस गिफ्ट, देखिए कोई भी जानवर इस गिफ्ट को नहीं रखता। अभी अगला बार में अभी क्वेश्चन आप देखे थे कि यहाँ पर पूछा था कि नो एनिमल पोजेस द गिफ्ट ऑफ लैंग्वेज, तो यहाँ पर लैंग्वेज इसका आंसर हो जाएगा। नो एनिमल पोजेजेस दिस गिफ्ट, कौन सा गिफ्ट, लैंग्वेज, तो ये वाला का आंसर लैंग्वेज हो जाएगा, जो कि आपको फोर्थ या फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था। तो दो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब आगे देखो कितना जल्दी जल्दी मिल जा रहा है वो देखिए आप पढ़ लेने से क्वेश्चन। बट दे हैव देयर ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, ठीक है, वो अपने एक्सप्रेशन को दूसरे तरह से दे सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज सबसे अच्छा गिफ्ट है मैन को। कोई भी जानवर के पास लैंग्वेज का गिफ्ट जो है उपहार नहीं मिला भगवान के द्वारा। व्हेन ए रैबिट सीज़ एनिमी, देखिए क्वेश्चन था कि जब रैबिट अपने एनिमी को देखता क्या करता है, इट रन्स अवे इनटू इट्स होल और बरो, वो अपने क्या करता है होल या बरो में, मतलब जो भी बिल रहता है उसमें चला जाता है। इट्स टेल्स बोप्स अप एंड डाउन एज इट रन्स, और उसका जो पूंछ है ऊपर नीचे होता था। ये वाला अंडरलाइन कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए क्या दिया हुआ है, द अदर रैबिट्स, ठीक है, थोड़ा सा मैं डाउन कर देता हूँ, ये कहिए वाला। अगला देखिए क्या पूछ रहा है, द अदर रैबिट सी इट एंड दे रन टू अवे, और दूसरे रैबिट भी जब देखते हैं कि उनका पूछ ऊपर नीचे हो रहा है वो भी भाग जाते हैं। दे नो दैट देयर इज ए डेंजर, वो जान जाते हैं कि क्या सामने खतरा है। व्हेन ए कोबरा इज एंग्री, देखिए कोबरा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया था। इट रेजेज इट्स हुड एंड मेक्स इटसेल्फ लुक फियर्स, बोलता है जब कोबरा को सामने कुछ खतरनाक दिखता है तो वो भी अपना फन खड़ा कर लेता है और भयानक दिखने लगता है। दिस वार्न्स अदर एनिमल्स, जिससे दूसरे जानवर मतलब कि क्या होते हैं, भयभीत हो जाते हैं, जग जाते हैं। व्हेन ए बी हैज़ फाउंड सम फूड, देखिए ये क्वेश्चन था कि जब बी अपने फूड तो क्या कहता है, इट गोज बैक टू हिज हाइव, वो अपना मधुमक्खी का छत्ता में वापस चल जाता है। इट कैन नॉट टेल द अदर बीज, वो दूसरे मधुमक्खी को नहीं बता सकता कि वो फूड पाया है, है ना, तो क्या करता है, बट इट टू डज ए काइंड ऑफ डांस इन द एयर, क्या करता है, एक तरह का डांस करता है। ये भी क्वेश्चन था ना कि जब फूड देखता है तो क्या करता है। और फिर एक क्वेश्चन था, देखिए नेक्स्ट यहाँ दिया है, सम एनिमल्स से थिंग्स बाय डूइंग मेकिंग साउंड्स, है ना, कुछ जानवर अपना आवाज़ निकालते हैं जब खतरनाक मतलब खतरा देखते हैं। डॉग बार्क्स, क्या करता है, डॉग बार्क्स करता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन था कि कौन बार्क्स करता है स्ट्रेंजर के ऊपर जब देखता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर यहीं से हो गया। अब देखो कितना जल्दी जल्दी हम आपको आंसर करवा देंगे, देखिएगा, है ना। व्हेन रैबिट सी ऑन इनेमी ईट, अभी ऊपर मैंने दिखाया, देखिए इनेमी को देखता है तो क्या करता है, रन अवे, यहाँ देखिए रन अवे एंड टेल बोब्स अप एंड डाउन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या ऑप्शन दिया, बोब्स अप इट्स टेल अप एंड डाउन, तो ये आंसर सही हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से मिल गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेपर में दिखाते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया। नेक्स्ट में देखिए, है ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है कौन अपने सामने आने पर भौंकता है। तभी मैंने आपको बताया था डॉग,
तो डॉग इसका आंसर सही हो जाएगा। कितना आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा डॉग। फिर आगे देखिए, नो एनिमल पोजेस द गिफ्ट ऑफ, है ना, कोई भी जानवर किसका गिफ्ट अपने पास नहीं रखता है, तो लैंग्वेज का गिफ्ट नहीं रखता है। यह भी आपको मैंने पिछला पेज में बताया था, है ना, ऐसे एरो करके लेके दिखाया था कि लैंग्वेज होता है। आगे देखिए, है ना, आगे क्या दिया हुआ है देखिए, व्हेन ए बी सीज इट्स फूड, क्या करता है वो फूड को देखता है तो क्या करता है, डांसिंग इन द एयर, तो डांसिंग इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, इन द पैसेज द वर्ड कॉशन मीन्स, कॉशन का मीन्स यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो कॉशन मतलब होता है सावधान होना, है ना, तो क्या हो जाएगा, वार्न इसका आंसर सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था दो, नो एनिमल पोजेस द गिफ्ट ऑफ लैंग्वेज, है ना। देखिए, रैबिट दौड़ता है तो इसके टेल्स ऊपर नीचे होते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन पहले कर लेते हैं तो ये सब खोजने में आसानी होता है, इसलिए मैंने बताया था। डॉग देखिए बार्क करता है, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। देखिए, डांस इन द एयर, ये कैसे किसके बारे में था, बी के बारे में, देखिए बी के बारे में, काइंड ऑफ डांस इन द एयर, है ना, डॉग क्या करता है, बार्क करता है, तो कितना आसान हो गया। तो इस तरह से करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सारा चीज़ क्लियर करते हैं और नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं। ये सेकंड पैसेज है, तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि पैसेज करने से पहले इसके क्वेश्चंस देख लो, तो चलो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। थर्ड पेज में है, देखिए, चलिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसी तरह से करिएगा, एग्जाम में फ़ायदा होगा। फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपल बुक रीडिंग इज, बोलता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए किताबें पढ़ना क्या है, तो क्या होगा, चलिए देख लेते, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, 5 ठीक रहेगा, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो क्या बोले, देखिए, फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपल बुक रीडिंग इज, बोलता है अधिकतर लोगों के लिए बुक रीडिंग क्या है, तो यहाँ से देख लीजिए, फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपल बुक रीडिंग क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, बुक्स आर हेल्पफुल फॉर, बुक्स किसके लिए हेल्पफुल है, और चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, है ना, किसके लिए हेल्पफुल है बुक्स, और क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू, यहाँ पे से कौन सा सेंटेंस ट्रू नहीं है वो आप पढ़िएगा तभी मालूम चलेगा, ये नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन नहीं देखना है। बुक्स कॉन्ट्रीब्यूट टू, बुक्स किस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो ये भी पढ़ के समझ में आ जाएगा। द वर्ड ब्लैंक इन पैरा टू मीन्स ऑर्नामेंटली, मतलब सजाना, किस में पार्ट टू में कौन सा वर्ड यूज हुआ है पैरा टू में, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं, है ना। पहले पूछा है मेजोरिटी ऑफ पीपल बुक क्यों पढ़ते हैं, तो देखिए, द किंगडम ऑफ बुक्स इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स फॉर देयर इज नो कॉर्नर ऑफ इट्स, है ना, विच दे कैन लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड, अगर नहीं भी समझ में आता है पैसे तो पूरा पढ़ लें। देयर इज नो डर्थ ऑफ बुक ऑन एनी टॉपिक, बोलता है कि यूनिवर्स में बहुत सारे बुक हैं और कोई ऐसा चीज़ अब बच नहीं गया जिस पर बुक नहीं लिखा गया है, और सारे तरह के टॉपिक पर बुक लिखे गए हैं, बस शॉर्टकट में यही बोला गया, इतना जान लीजिए। बी इट एज सिंपल एज द कंपोजिशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट और इंट्रिकेट एट द मैकेनिज्म ऑफ ए सब स्पेस क्राफ्ट, बोलता है जिस तरह से सोडियम नाइट्रेट में होता है और मैकेनिज्म ऑफ स्पेस क्राफ्ट का होता है, सभी चीज़ों पर लिखा गया, किसी को छोड़ा नहीं गया। बुक्स रिपोर्ट द फ्रूट्स ऑफ आवर रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज एंड स्प्रेड आवर प्रोग्रेसिव व्यू ऑन मैटर्स विच आर ऑफ द वाइटल कंसर्न टू आवर फ्लाइंग फिनिक्स, है ना, तो वही सारा चीज़ है और कुछ है नहीं। इनफैक्ट नो सिंगल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन लेबर हैज़ बीन एज हेल्पफुल टू द एडवांसमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन एज बुक्स विच आर रिटन इन ऑल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एंड आर डेकोरेटिवली। देखिए, सेकेंड पैरा में बोल रहा था ना ऑर्नामेंटली का मतलब क्या होगा, तो डेकोरेटिवली होगा, ये आप लोग को पता चल गया क्योंकि आप पैसेज पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे एक आंसर मिल गया आपको, देख रहे हैं। देखिए, डेकोरेट मतलब सजाना होता है। वेलेस्ड इन बुक सेल्फ्स इन आवर होम्स एंड टेस्टफुली प्लेस्ड इन बुक स्टॉल्स एंड लाइब्रेरीज, सारा चीज़ वही सारा चीज़ लिखा हुआ, आप एक बार देख लीजिएगा। द लेबर ऑफ ऑल जीनेसिस, है ना, इंक्लूडिंग दोज ऑफ कैट किट्स आर मीन्स ऑफ, ये सारा चीज उसी पर दिया हुआ। आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपके यहाँ पे, है ना। देखिए, फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपल बुक रीडिंग इज, बोलता है कि अधिकतर लोगों के लिए बुक रीडिंग क्या है, बुक रीडिंग क्या हो जाएगा, सेवन्थ का आंसर ए हो जाएगा, एन इन्जॉयबल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। आप लोग पढ़ोगे पैसेज तो मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एट्थ में देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एट्थ में बुक रहा है बुक्स आर हेल्पफुल, है ना, बुक्स आर हेल्पफुल फॉर, क्या बोलता है बुक्स किसके लिए हेल्पफुल है, तो सारा चीज़ जो दे रहा है ना सब चीज़ के लिए था। देखिए, रिपोर्ट रिसर्च में भी लिखा हुआ है बुक, मैंने आपको बताया था। स्प्रेडिंग प्रोग्रेसिव वाइटल मैटर्स भी बताया था ना कि सभी विषयों में ये बढ़ रहा है। स्टडिंग फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए भी बुक हेल्पफुल होता है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। तो देख रहे हैं कितना आसान हो गया बताना। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू, यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो नाइन का देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ह्यूमन लेबर हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ बुक्स, बोलता है ह्यूमन लेबर के बारे में भी लिखा है कि बुक में उन्होंने हेल्प किया, यहाँ पे लिख रहा है कि नहीं किया है, तो ये गलत है। बाकी शॉर्टेज ऑफ बुक नहीं है कहीं पर भी, ये सही बात है, ये तो सही है, ये भी सही है कि सभी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और डेकोरेटिवली भी प्लेस्ड है सभी जगह, तो ये सभी
ऑप्शन सही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्या पूछ रहा है कि बुक्स कंट्रीब्यूट्स टू, बुक्स किसमें कंट्रीब्यूट करता है, फाइनेंशियल एडवांसमेंट, फिजिकल एडवांसमेंट, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो सभी सही तीनों के तीनों में करते हैं ना, देख के ही लग रहा है कि तीनों में करता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेंथ का आपका ऑप्शन नंबर, टेंथ का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी, कि मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों एडवांसमेंट होता है। फाइनेंशियली मतलब पैसा से आपको सुविधा होता है, कि फिजिकल शरीर से भी आपको मजबूती देता है। ठीक है, आगे देखिए द वर्ड, आपको मैंने ये बता दिया था कि ऑर्नामेंटली का कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो ऑर्नामेंटली के लिए यूज हुआ है डेकोरेटिवली, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से पैसेज के क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखिए ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ट्वेल्थ में पूछ रहा है कि सुटेबल टाइटल क्या होगा पैसेज के लिए। तो यहाँ पे देखिए किसके बारे में बात किया गया है, बात किया गया है यहाँ पे बुक्स के बारे में और ह्यूमन एडवांसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा कि ह्यूमन एडवांसमेंट के बारे में ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, तो ट्वेल्थ का डी हो जाएगा। तो इस तरह से पैसेज आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए गाइज मैंने भले ही पैसेज में टाइम लिया लेकिन आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आंसर होगा, आप लोग को ऐसे ही आपके एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह के पैसेज आएंगे और इसी तरह से सॉल्व करते चलना है। अब यहाँ से जो पार्ट शुरू होगा ना, मैं यहाँ पे तेज़ी से करने वाला हूँ क्योंकि टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, आप लोग रिविजन करते चलिए जल्दी जल्दी। बोलता है इन नोट मेकिंग नोट्स आर नोट रिटेन इन, नोट्स किस में नहीं लिखे होते हैं, तो सेंटेंसेस में लिखे नहीं होते हैं, याद रखिएगा। फ्रेजेज में नोट लिखे जाते हैं, ईडियम्स में और पॉइंट्स में, लेकिन सेंटेंस में नहीं लिखे जाते हैं। तो याद रखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। आपको मैं बता दूँ कि इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे वीडियो पूरा देख लें और वीडियो आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए लेकिन जल्दी जल्दी यहाँ पे रिवीजन कीजिए। नोट्स शुड भी, नोट्स किस में होना चाहिए, जब तक आप पीडीएफ देखोगे यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। नोट्स शुड भी, नोट्स किस में होना चाहिए, सिक्वेंशियल भी होना चाहिए, याद रखिए सेंसिबल, समझदार, पढ़ने में अच्छा लगे, जो सेंसिबल हो, सही हो, लॉजिकल सही हो, लिजिबल एंड क्लियर, सभी हो जाएंगे ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, सिम्बल्स सिंबल आर फ्रीली यूज इन, बोलते हैं सिंबल किस में यूज होते हैं, लेटर राइटिंग में, एसे राइटिंग में, है ना, पैराग्राफ राइटिंग में, नोट मेकिंग में, किसमें यूज होते हैं, नोट मेकिंग में आपका सिंबल आर फ्यूरीली यूज होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बोलता है कि नोटिसेस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, किसके लिए अनाउंसमेंट होता है, वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, किसी और के लिए नहीं, याद होइए स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा। फिर बोलता है फॉर्मल लेटर है ना स्टार्ट्स विद, फॉर्मल लेटर किससे शुरू होता था, याद रखिए सेंडर्स का एड्रेस के साथ शुरू होता है फॉर्मल लेटर। आगे देखिए लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन इन, है ना, रिटन फॉर, बोलता है कि जो एडिटर के लिए जो लेटर लिखा हुआ रहता है, लेटर वो किसके लिए, मतलब कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, किसके लिए लिखा होता है, तो न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, तो क्या हो जाएगा, कोट्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों का यूज करके हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं आर्टिकल को, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए पूछ रहा है वाइल राइटिंग नोटिसेस द सिग्नेचर ऑफ द इशुइंग अथॉरिटी शुड बी राइटन एट द बॉटम, जो भी इशुइंग अथॉरिटी रहता है उसका कहाँ पर सिग्नेचर होता है, बॉटम पे। देखिए और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर को राइटिंग लिखने का मतलब कि लेटर लिखने का क्या मोटिव होता है, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू इन योर लेटर इन द योर लेटर इन हिम पेपर, उसके पेपर में थोड़ा सा जगह दे दीजिए, उसका जो भी आप लेटर लिखे उसके लिए वहां पे छाप दे। आगे देखिए हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड, आर्टिकल को अंत कैसे करना है, तो विथ ए सुटेबल कंक्लूजन, जो कंक्लूजन है हमारा उसी के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर बोलता है हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास, फ्रेंच क्लास के लास्ट दिन सभी जो पीछे बैठे हुए थे, आपको पता होगा गांव वाले बैठे हुए थे ना, तो द विलेज एल्डर्स हो जाएगा। व्हाट डिड हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, स्कूल में लास्ट दिन जो होता रहता है हेमल का, वो क्या लेके आते हैं, तो क्या लेके आते हैं, न्यू नोटबुक्स लेकर आते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए वेयर वाज साहेब इन एम्प्लॉयड, क्या बोलता है वेयर साहेब कहाँ पे एम्प्लॉयड था, सॉरी कहाँ पे एम्प्लॉयड था, तो क्या हो जाएगा एट ए टी स्टॉल, स्टॉल मतलब टी स्टॉल में काम करता था। आगे देखिए मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, आपको पता होगा कि मुकेश का सपना रहता है कि वो मोटर मैकेनिक बने, है ना, तो क्या हो जाएगा बाई गोइंग टू ए गैरेज, गैरेज में जाकर बनना चाहता है। आगे देखिए वेन डॉगलस रिगेंड कंसियसनेस, जब उसको होश आ जाता है, ही सुक एंड क्राइड एंड डिडंट ईट एनीथिंग, उसको होश आता है तो वो हिलता है और चिल्लाता है लेकिन कुछ खाता नहीं है। आगे देखिए व्हाई डिड डॉगलस हायर इंस्ट्रक्टर, डॉगलस जो है वो इंस्ट्रक्टर को क्यों लाता है टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, वो अपना वाटर से हटाना चाहता है डर और उसमें तैरना सीखना चाहता है। ठीक है, आगे देखिए व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन, जब अपनी माँ की तरफ फिर से देखता है, सी फेल्ट ए पैंग ऑफ, उसको क्या लगता है, हर सिमिलर एक्ने, उसको लगता है कि फिर से वही दर्द उभर के आ गया है। फिर आगे देखिए पूछता है द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू, पोएट ने अपनी माँ का किससे किया है कंपेरिजन, तो लेट विंटर्स मून से, जो मतलब कि फीका लग रहा है। आगे देखिए वेयर डू द फेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट, बोलता है कि क्या हो जाएगा लैक ऑफ इंथुजियाज्म यहाँ पे उनके फेस में दिखता है। ठीक है, किसका, जो चिल्ड्रन, जो बच्चे स्लम एरियाज में खेल रहे हैं। ठीक है,
आगे देखिए, हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, बोलता है विजिटर्स गरीब बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, बाई फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस, बोलता है कि इनइक्वालिटीज और इनजस्टिस जो असमानता है और जो अन्याय है उनके साथ लड़कर। आगे देखिए, पैब्लो नेरुडा वांट्स टू द इंटायर ह्यूमैनिटीज, पैब्लो नेरुडा चाहते कि इंटायर जो ह्यूमैनिटी है वो क्या हो, कीप स्टाइल मतलब कि स्टील मतलब सभी शांत रहे और सभी तरह से अच्छे तरीके से चलते रहे। हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी ऑफ किंग टाइगर, किंग टाइगर में टाइगर किंग में कौन से दो एनिमी के रूप में बताए गए हैं, तो बुल एंड टाइगर को बताया गया कि दोनों दुश्मन होते हैं। आगे देखिए, हु वांटेड ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर सर्कस सर्कस सर्कस, तो क्या बोलता है कि कौन यहाँ पे होता है जो फोटोग्राफ खिंचवाना चाहते हैं, मतलब कि वो फोटोग्राफ खिंचवाना चाहता है, वांटेड ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ अपना फोटोग्राफ चाहता है जिसमें वह गन लिए हो और जो टाइगर का सर्कस होता है उसका चमड़ा होता है उसके मतलब कि खड़ा होकर खिंचाना चाहता है, क्या हो जाएगा, दांत दुराई। ठीक है, आगे देखिए, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट आस्क अस टू काउंट, क्या गिनने कहता है, 12 गिनने के लिए कहता है, याद रखिएगा। द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स, यहाँ पे देखिए मैं ज़्यादा तेज़ी से करवा रहा हूँ ताकि रिवीजन हो आपका, टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ, इज बोलता है द नेम ऑफ द प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम का नाम है जिसमें हाई स्कूल स्टूडेंट्स जाते हैं एंड ऑफ द अर्थ, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स ऑन आइस, है ना, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, गोंडवाना एग्जिस्टेड रफली अराउंड, बोलता है गोंडवाना जो है रफली कितने साल पहले था, तो 650 मिलियन ईयर से वो लगभग था। आगे देखिए, सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न, आप लोगों को पता होगा सदाव जो डॉक्टर था अमेरिका क्यों जाता है, सर्जरी और मेडिसिन को सीखने, जो कि बाद में एनिमी वाले सोल्जर को हेल्प भी करता है। आगे देखिए, ऑल द सर्वेंट्स इन द सदाव्स हाउस होल्ड, बोलता है कि जो भी सर्वेंट्स थे सदाव के हाउस होल्ड मतलब घर में, वो डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर, तो वो उसका हेल्प नहीं करते सदाव का उस सोल्जर को ठीक करने में। तो ये इस तरह से मैंने 20 क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस आपको करवाए, बहुत ही तेज़ी से करवाए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, बाकी सब्जेक्ट का भी मिलेगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो जो लोग भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, मैं फिर से बता रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आपको बोर्ड आभा ही है, जाके टेलीग्राम में सर्च कीजिए बोर्ड आभा, और जो चैनल का लोगो है वही लोगो दिखेगा, बोर्ड सर्च करके आप लोग जुड़ जाइए वहां पे, और वहां पे पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का भी वहां पे मिल जाएगा, लेकिन वीडियो पूरा आप लोग देखा करें, ठीक है, रिवीजन इससे हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।